नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रीकांत कुमार, आप देख रहे टू जेट प्रोसेस। आज हम बात करने वाले से वीडियो में दोस्तों वोटर आईडी कार्ड की बहुत ही बड़ी अपडेट। दोस्तों वोटर आईडी कार्ड के एप्लीकेशन में बहुत सारे अपडेट किया गया है, अब सब कुछ बदल गया है। अब बिल्कुल नया तरीका से नया वोटर कार्ड बनेगा, बिल्कुल नया तरीका से वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन होगा, डाउनलोड होगा बिल्कुल नया तरीका से। यहां तक कि अगर आप पीवीसी प्लास्टिक वोटर आईडी कार्ड को अगर आप अपना एड्रेस पे मंगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी अब यहाँ से नया तरीका से अब यहाँ से आपको अप्लाई करना होगा और बहुत ही सिंपल हो गया है। तो क्या क्या अपडेट किया गया है, क्या क्या इसका प्रोसेस है, कैसे काम किया जाएगा, सारा कुछ इस वीडियो में हम कंप्लीट बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच पाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले मोबाइल का प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है, सर्च बॉक्स में टाइप करना है वोटर हेल्पलाइन, उसके बाद सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस प्रकार से ऐप देखने के लिए मिल जाता है और ये ऐप काफ़ी पुराना है पर इस ऐप में अपग्रेड किया गया है, जिसे नया नया सर्विस यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है और इस ऐप से अब वोटर आईडी कार्ड में बिल्कुल नया तरीका से काम किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस ऐप को अपना मोबाइल में इस प्रकार से इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद इस प्रकार से ऐप को ओपन कर लेना है। ऐप ओपन होना शुरू हो गया है। अगर आपका पहले से ऑलरेडी आईडी पासवर्ड बना हुआ है तो यहाँ पे मोबाइल नंबर को फिलअप करना है, पासवर्ड को फिलअप करना है, सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। अगर आप इस ऐप में पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले जो है कि आपको न्यू यूजर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर को टाइप करना है, सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम को टाइप करना है, लास्ट नेम को टाइप करना है, यहाँ पे अपना मनपसंद से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को टाइप करना है, यहाँ पे ओटीपी को फिलअप करना है जो आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी सेंड किया गया है। उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाता है, यानी आईडी पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। अब इस ऐप में लॉगिन करना है, लॉगिन करने के लिए यहाँ पे मोबाइल नंबर को टाइप करना है, पासवर्ड को टाइप करना है, सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ओटीपी को इस बॉक्स में टाइप करना है, लॉगिन नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन होते हैं तो कुछ इस प्रकार के इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल नया तरीका का सर्विस यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, पहले कुछ यहाँ पे अलग तरीका का सर्विस देखने के लिए मिलता था, अब यहाँ पे देखिए चेंज कर दिया गया है, अब आपको अलग तरीका से वोटर आईडी कार्ड में काम करना होगा। अगर आप वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है डाउनलोड ईपीआईसी के ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल नए तरीका से वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे तीन ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको ईपीआईसी नंबर मालूम है, यानी वोटर नंबर मालूम है, तो आपको क्या करना है, यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपना ईपीआईसी नंबर को टाइप करना है, स्टेट का नाम को सिलेक्ट करना है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको डाउनलोड करना होगा। यही अगर आप नया वोटर कार्ड बनाए हैं और आपके पास रिफरेंस आईडी है और रिफरेंस आईडी से अगर आप वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सेकेंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर रिफरेंस आईडी नंबर डालना है, स्टेट का नाम को सिलेक्ट करके यहाँ से आपको डाउनलोड करना है। अगर आपको कुछ भी मालूम नहीं है, नहीं आपके पास रेफरेंस आईडी मालूम है और नहीं आपके पास जो है कि वोटर आईडी नंबर नहीं है तो फिर आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो यहाँ पे दिया गया है देखिए सर्च बाय डिटेल्स, यानी अपना नाम डिटेल्स डालकर यहाँ से आप वोटर आईडी कार्ड को फाइंड कर सकते हैं और फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे देखिए बहुत सारे सर्विस दिया गया है। अगर आप नया वोटर आईडी कार्ड बनाना चाहते हैं या फिर करेक्शन करना चाहते हैं या फिर पीवीसी प्लास्टिक वोटर आईडी कार्ड को अपना एड्रेस पे ऑर्डर करना चाहते हैं तो यहाँ पे दिया गया है वोटर रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। न्यू वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आप जो है कि न्यू वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको पांच स्टेप में नया वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए स्टेप को पूरा कंप्लीट करना होगा, बिल्कुल नया तरीका कर दिया गया है। या फिर अगर आप वोटर आईडी कार्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो यहां से आप जो है कि वोटर आईडी कार्ड को डिलीट भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पे दिया गया है करेक्शन के ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है लेट्स स्टार्ट के ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए पूछा गया है अगर अभी आपके पास
वोटर आईडी नंबर अवेलेबल है तो यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट रहने देना है। यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, वोटर आईडी नंबर को टाइप करना है, स्टेट का नाम को सिलेक्ट करना है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। वोटर आईडी कार्ड का पूरा डिटेल्स यहाँ पे ओपन हो जाता है और यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है नेक्स्ट, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन करने के लिए चार स्टेप दिया गया है, चार स्टेप को आपको फॉलो करके वोटर आईडी कार्ड में यहाँ से करेक्शन कर सकते हैं। या फिर अगर आप पीवीसी प्लास्टिक वोटर आईडी कार्ड को अपना एड्रेस पे मंगाना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो यहाँ पे दिया गया है रिप्लेसमेंट ईपीआईसी विदाउट करेक्शन, इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आप जो है कि अप्लाई कर सकते हैं पीवीसी प्लास्टिक वोटर आईडी कार्ड के लिए। या फिर अगर आप वोटर कार्ड में आधार कार्ड को लिंक करना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आप वोटर आईडी कार्ड में आधार कार्ड को यहाँ से आप लिंक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देख लिए हैं इस प्रकार से अब जो है कि वोटर आईडी कार्ड में आपको काम करना होगा। अगर आप कंप्लेन करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आप जो है कि कंप्लेन भी दर्ज कर सकते हैं अगर काफ़ी दिन से पेंडिंग है, अगर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीका से दोस्तों यहाँ पर और भी बहुत सारे सर्विस दिया गया है जो आप इस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं।